हे गाइस, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। तो आज है मेरे पास ये बाहुबली ब्रांड की स्लेट पेंसिल। ये बिल्कुल नया ब्रांड है, अभी कुछ सालों पहले से ही इस ब्रांड की स्लेट पेंसिल आई है और मैंने बिल्कुल नया ब्रांड ये देखा है। इससे पहले मैंने इस ब्रांड का ना नाम सुना था और ना ही मैंने इस ब्रांड को देखा था। ये क्राउन जूनियर ब्रांड की स्लेट पेंसिल है और ये है चांद तारा ब्रांड की स्लेट पेंसिल। तो ये तीनों ब्रांड आप देख सकते हो और ऐसे और भी बहुत सारी ब्रांड्स की स्लेट पेंसिल है, आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगी या फिर आपको शॉप में मिल जाएगी। वैसे शॉप में आपको बहुत कम मिलेगी लेकिन ऑनलाइन आपको ज़्यादा मिलेगी। तो मुझे किसी ने पूछा है कि आखिर ये स्लेट पेंसिल बन क्यों रही है, इसका क्या काम होता है, कहाँ ये यूज़ की जाती है और ये बनाई क्यों जा रही है। अगर स्लेट पेंसिल लिखने के काम आती है तो अब तो इससे कोई भी नहीं लिखते हैं, तो इसको अब यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसको बना क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी और भी वीडियोस इस चैनल पर लाता रहूंगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इस स्लेट पेंसिल को बनाया क्यों जाता है, ये नई नई ब्रांड्स बनाई क्यों जा रही है। सबसे पहले कुछ सालों पहले इसका सिर्फ एक ही यूज़ होता था, वो होता था लिखने के। इसको सिर्फ लिखने के लिए यूज़ किया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था। बड़े बड़े स्लेट्स होते थे, ब्लैक स्लेट्स होते थे, उसके ऊपर ये स्लेट पेंसिल से लिखा जाता था। जो स्लेट पेंसिल होती थी ये वाइट होती थी और जो स्लेट होता था वो ब्लैक होती थी और उसके ऊपर अच्छे से लिखा जाता था। और इसी तरीके से पहले के ज़माने में इससे पढ़ाया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, पहले ऐसे ही होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे सबसे पहले आपके लिए कलम आई, उसके बाद पेंसिल आई, उसके बाद पेन्स आए और पेन से लोग लिखने लगे कॉपी पर। और जब कॉपी पर लिखने लग गए तो इसका कोई भी यूज़ नहीं रहा, बच्चे भी सिर्फ कॉपी के ऊपर लिखने लग गए। वाइट नोटबुक आप लोगों ने देखी होगी, उसके ऊपर लिखने लग गए। तो जब उसके ऊपर लिखने लग गए तो इसका कुछ भी काम नहीं रहा, इसको बिल्कुल भी नहीं खरीदते थे क्योंकि इसका कुछ यूज़ भी नहीं रहा था, क्योंकि इससे तो लिखा नहीं जा रहा था, लिख तो सिर्फ नोटबुक के ऊपर ही रहे थे और सिर्फ पेन से लिखा जा रहा था, तो इसको कुछ भी यूज़ नहीं रहा। तो उसके बाद ये बननी बंद हो गई थी। कुछ एरियाज में शायद इसे लिखा जाता है, जहाँ अच्छी सुविधा नहीं होती है तो वहाँ पर शायद इसे लिखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे अब इससे बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। तो अब ये इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे आजकल लोग इसको खाने का जो ट्रेंड है उसको चला रहे हैं। जब इसको खाने का ट्रेंड चल रहा है तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फैक्ट्रियाज ये स्लेट पेंसिल ब्रांड्स बनाती है या फिर ये स्लेट पेंसिल बनाती है, उन लोगों को और काम मिल गया है क्योंकि लोग इसको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं या फिर शॉप से बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो वो लोग इसको बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, सिर्फ खाने के लिए ये बनाई जा रही है क्योंकि अब तो इससे बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है, तो ये सिर्फ खाने के लिए बनाई जा रही है, इसका कुछ भी काम नहीं रह गया है, सिर्फ इसको खाने के लिए बनाया जा रहा है। और जितने भी आप ब्रांड्स की स्लेट पेंसिल देखते हो, आजकल आप लोगों ने देखी होगी बहुत ही नए नए ब्रांड्स की स्लेट पेंसिल आ रही है, तो उनका सिर्फ एक ही काम है, वो सिर्फ एक ही काम के लिए बनाए जा रहे हैं, वो सिर्फ खाने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसको खाने की शुरुआत कुछ लोगों ने की है, पहले तो लोग इसको खाते थे, थोड़ा बहुत खाते थे, इतना ज़्यादा नहीं खाते थे, लेकिन जब से इसको खाने वाली वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड होने लगी तब से लोग इसकी वीडियोज़ देखने लगी। जब इसकी वीडियोज़ देखने लगी तो लोगों को इसकी क्रेविंग होने लगी, लोगों को इसकी जब क्रेविंग हुई तो वो लोग इसको ऑर्डर करने लगे। जब इसको ऑर्डर करने लगी तो उन लोगों को मिल गया जो लोग इसको बनाते थे, क्योंकि पहले तो इसकी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी लेकिन उन्होंने फिर से फैक्ट्रीज चलाई और ऑनलाइन इसको बेचने लगे या फिर कुछ शॉप्स में बेचने लगे। और जब वहाँ पर उनको बेचने लगे तो वो लोग भी पैसे कमाने लगे और जो लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जो इसको खाते हैं, वो लोग भी बहुत सारे पैसे कमाने लगे। कुछ लोग इसके सेलर्स बन गए और कुछ लोग अपने चैनल से कमाते हैं, जो भी इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं उससे कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इससे ना पैसे कमाते हैं, सिर्फ इसको पैसे कमाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज इसका कोई भी यूज़ नहीं रह गया है और लोग इसको सिर्फ पैसे कमाने के लिए खा रहे हैं। जो लोग आपको इसको खाते हुए यूट्यूब पर मिलेंगे वो सिर्फ पैसे के लिए या फिर कुछ सब्सक्राइबर कुछ व्यूज़ के लिए ही इसको खा रहे हैं। कुछ लोगों को इनको देखकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, जब इनको क्रेविंग हो रही है तो वो इसको बहुत ज़्यादा खाने लग गए और उनको आदत हो चुकी है। जब इसकी आदत हो जाती तो ये चाहिए ही चाहिए, अगर ये नहीं मिलती है तो उन लोगों का कहीं भी मन नहीं लगता, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को इसका नशा हो गया, जिसमें ज़्यादातर लड़कियाँ हो, लड़कियाँ इसको खाए बिना अब रह ही नहीं सकती, इतना बुरा उनको नशा इसका हो गया है।
लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ खाने के लिए ही बनाई जा रही है, ये आप लोगों के साथ खेला जा रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग तो इसे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको खाकर अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। तो ये आपकी गलती है और इस गलती को आपको सुधारना होगा। अगर आप इसको खाते हो तो इसको खाना आज से ही छोड़ना होगा, और इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है आपके शरीर के लिए, बहुत ज़्यादा ये नुकसान करती है, तो इसको नहीं खाना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करके दो, और नीचे चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे और भी वीडियोज इस चैनल पर लाता रहूँगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो, और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग इसको खा रहे हैं या फिर इसको बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं या फिर क्यों खा रहे हैं, आप लोग जरूर समझिए, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दो वीडियोस आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो।